डिफरेंस बिटवीन वाली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, इनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है कि रेड बोन मैरो का कलर रेड होता है और येलो बोन मैरो का कलर येलो होता है, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। तो रेड बोन मैरो जो होते हैं वो मेनली प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ऐसे सारी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। और येलो बोन मैरो जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बोन्स, कार्टिलेजेस, फैट्स, ऐसे सारी चीज़ों को। रेड बोन मैरो हमारी एज के साथ डिक्रीज होता है हमारी बोन्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन येलो बोन मैरो की हम बात करेंगे तो वो एज के साथ इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसा हमारा एज इंक्रीज होता है, रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बच्चा जब जस्ट बॉर्न हुआ होता है या फिर पेट के जब अंदर होता है, तब उसकी सारी बोन्स में या फिर उसके बॉडी में आप कह सकते हो सिर्फ रेड बोन मैरो होता है, येल्लो बोन मैरो नहीं होता। लेकिन जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है, उसकी एज बढ़ती है, तो जैसे कि मैंने कहा रेड बोन मैरो येल्लो बोन मैरो में तो कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कभी किसी इमरजेंसी की वजह से या फिर किसी भी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड की कमी हो और ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो येल्लो बोन मैरो दोबारा रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होता है कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक खासियत है येल्लो बोन मैरो की भी, कि वो इमरजेंसी के वक्त ब्लड प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली बेसिकली मदद करता है। रेड बोन मैरो कहाँ पे मिलता है, किस बोन में मिलता है? तो रेड बोन मैरो हमारी फ्लैट बोन्स में मिलता है और लॉन्ग बोन्स की कुछ हिस्सों में मिलता है। फिलहाल मैं उसके डीप में नहीं जाऊँगा कि कहाँ पे वगैरह मिलता है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इतना मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। येल्लो बोन मैरो कहाँ पे मिलते हैं? तो येल्लो बोन मैरो बोन्स की मेडुलर कैविटी के अंदर मौजूद होता है। रेड बोन मैरो का लास्ट पॉइंट ऐसा है कि रेड बोन मैरो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई लेता है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है। और येल्लो ब्लड मैरो की हम बात करेंगे तो उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है येल्लो बोन मैरो को, वो बहुत ही कम होता है या वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं लेता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं येल्लो और रेड बोन मैरो की। और ऐसे ही अगर आपको और कंटेंट देखना हो तो गूगल पे सर्च करो BIV केदार यूट्यूब, या फिर साइट BIV केदार, या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो।